दोस्तों अगर आपका भी खाता पंजाब नेशनल बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक या IDFC फर्स्ट बैंक में है तो आपके लिए अच्छी खबर है। अब आपको बैंक में FD पर ज्यादा ब्याज मिलेगा। हाल ही में दोस्तों इन तीनों बैंकों ने अपनी FD की रेटों को रिवाइज किया है और इंटरेस्ट को बढ़ा दिया है। आइए देखते हैं कि अब आपको किस बैंक पर FD पर कितना ब्याज मिलेगा। सबसे पहले बात करें पंजाब नेशनल बैंक की, तो PNB ने 2 करोड़ रुपए से कम की फिक्स डिपॉजिट यानी कि FD की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। अब PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक के खाताधारकों को FD पर कस्टमर्स को अब 0.10% से लेकर 0.20% तक ज्यादा ब्याज मिलेगा। ये नई ब्याज दरें कल से ही लागू हो चुकी हैं और ऐसे में जनरली अब आपको PNB बैंक में FD पर 3% से 5.60% तक ब्याज मिलेगा। अब ये अलग अलग टाइम और डे के अकॉर्डिंग ब्याज की दर रहती है। जैसे 7 से 45 दिन की अगर आप FD करवाते हो तो 3% इंटरेस्ट मिलेगा। इसी तरह से 180 से 270 दिन की करवाते हो तो 4.5% इंटरेस्ट मिलेगा। 1 साल से 2 साल तक की FD करवाते हो तो आप 5.5% के लगभग इंटरेस्ट मिलेगा 3 साल तक में, है ना। और इसी तरह से 5 साल 1 दिन से लेकर 10 साल तक की FD करवाते हो तो 5.60% इंटरेस्ट मिलेगा। अच्छा, IDFC फर्स्ट और कोटक महिंद्रा बैंक ने भी FD की ब्याज दरों को बढ़ा दिया है। IDFC फर्स्ट में FD कराने पर अब आपको अधिकतम 6.5% तक इंटरेस्ट मिलेगा और वहीं कोटक महिंद्रा बैंक में FD पर अधिकतम 5.90% इंटरेस्ट मिलेगा। चलिए IDFC फर्स्ट बैंक की भी FD पर कितना ब्याज मिलेगा टेबल में आप देख सकते हैं। अलग अलग दिन के अकॉर्डिंग 7 दिन से 29 दिन तक की FD पर 1 महीने की FD, 3 महीने की FD, 1 साल तक की FD, 1.5 साल, 3 साल से 5 साल और 5 साल से 10 साल तक की FD पर आपको 6 से 6.5% इंटरेस्ट मिलेगा। वरिष्ठ नागरिकों को थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। अच्छा, ऐसे कोटक महिंद्रा बैंक में भी देखिए आप FD के अलग अलग इंटरेस्ट देख सकते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक 7 से 30 दिन की FD पर 2.5% इंटरेस्ट देगा और वहीं 90 दिन तक की FD पर 3% इंटरेस्ट मिलेगा। 90 से 180 दिन तक की FD पर 3.5% इंटरेस्ट मिलेगा। 1 साल तक की FD करवाते हो आप तो 5.25% इंटरेस्ट मिलेगा। वहीं 3 साल से कम की FD करवाते हो तो 5.6% इंटरेस्ट मिलेगा और 3 से 10 साल तक की FD करवाने पर आपको लगभग 6% यानी 5.90% इंटरेस्ट मिलेगा। ओके, तो ये तीनों ही बैंकों की रिवाइज्ड FD रेट्स की जो लिस्ट थी कम्प्लीटली मैंने आपको बता दी। थोड़ा और आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा क्योंकि एक एक लिस्ट के एक एक पॉइंट को मैं बोलूंगा तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, राइट। उम्मीद है दोस्तों ये छोटा सा न्यूज अपडेट आपको जरूर जानने मिला होगा और इसी तरह की काम की खबरें और रोजाना की ताजा अपडेटेड इन्फॉर्मेशन देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल DLS न्यूज को नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाए रखिएगा ताकि आप और हम आपस में जुड़े रहेंगे और रोजाना काम की खबरें शेयर करते रहेंगे, ठीक है ना। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करना और मुझे नीचे कमेंट करके बताना दोस्तों कि आपको सबसे अच्छी सर्विस किस बैंक की लगती है। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।